हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम ग्रामर के पोर्शन में एक्टिव वाइस पेसिव वाइस पढ़ने चल रहे हैं। बच्चों, एक्टिव वाइस पेसिव वाइस चाहे आप केवी में पढ़ रहे हो या एमपी बोर्ड में पढ़ रहे हो या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो या डिफरेंट डिफरेंट वन डे सिटिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, सब जगह एक्टिव वाइस पेसिव वाइस का अपना अपना महत्व है। एक्टिव वाइस पेसिव वाइस सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत कुछ स्ट्रेस लेने और देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको थोड़े से टेंसेस मालूम होने चाहिए, और टेंसेस मालूम तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि कि आप टेंस भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी और अपने आप पे भी। जहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं कि आप यही वीडियो देखते रहिएगा। आपको कई जगह अवेलेबिलिटी है टेंसेस की, और टेंस मैं पढ़ा ही रहा हूँ वो भी देख लीजिए, और उसी के साथ साथ एक्टिव वाइज पेसिव वाइज भी देखिए। बच्चों, एक्टिव वाइज पेसिव वाइज सॉल्व करने से पहले एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट, तो राम इम्पॉर्टेंट होता है। और जब एक्टिव वॉइस में और पेसिव वॉइस में क्या होता है, क्रिकेट आगे चला जाता है, क्रिकेट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो वो पेसिव वॉइस बन जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ये एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस सेंटेंस होंगे एक्टिव में, इस तरह के सेंटेंस एक्टिव में होते हैं, और जब वो पेसिव में बनते हैं तो इस तरह के फार्मूले यूज होते हैं। नॉट नेसेसरी कि इतने ही रहेंगे, अभी और भी फार्मूलेज होंगे। ये शॉर्टकट है और तब भी शॉर्टकट ही होगी। सपोज करो कि आपके पास सेंटेंस में डू या डज है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। यानी कि जब किसी सेंटेंस में डू या डज देखते हैं आप और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, तो बहुत ज्यादा विचारने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग टाइप ऑफ फार्मूला। आपके पास इज एम आर है, बस खत्म, इज एम आर लगाना है और हो जाएगा। अब सर इज एम आर की कहाँ कहाँ लगा देंगे, तो वो फार्मूला में हम देखेंगे अभी, परंतु मेन चीज पहचानने की क्या है कि जैसे ही सेंटेंस में डू या डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी, समझिए डू या डज दिखा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी, तो आपका आंसर जब आएगा तो उसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए। फार्मूला नॉर्मली ऐसे होता है, ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ का फार्मूला बोल दूँ, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, जो हमारा पीछे क्रिकेट है ना, क्रिकेट आगे चला जाएगा, इस तरह से फार्मूला में इज एम आर आता है। नेक्स्ट, यदि फार्मूले में इज एम आर ऑलरेडी है तब क्या होगा, तो इज एम आर प्लस बींग आ जाएगा। रीता इज मेकिंग कॉफी, इज एम आर है उधर भी एक्टिव में भी, तो अब काफी इधर जाएगी, कॉफी इज बीइंग प्लेड बाय रीता, तो रीता इंपॉर्टेंट नहीं हो गई, अब काफी इंपॉर्टेंट हो गई। जब सेंटेंस में इज एम आर आएगा तो आंसर में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी। हर फार्मूले में मैक्सिमम बाय प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म होगी ही होगी इसके बाद में, इनके बाद में। जब किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हैज़ रहेगा तो वो आंसर जब आएगा तो वो हैज हैव बीन हो जाएगा। ही हैज मेड टी, तो टी हैज बीन मेड बाय हिम, ही का हिम, सी का हर, ये वाली कहानी भी बात करेंगे हम। अब यदि किसी सेंटेंस में हैज हैव बीन ऑलरेडी मिल गया, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, उस सेंटेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारे लिए सहूलियत हो गई। नेक्स्ट, जब किसी सेंटेंस में डिड मिल जाए या वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाए, तो उसमें वाजिया वर्ब लगेगा, जैसे आई सा द ताज, द ताज वाज, द ताज वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये फार्मूला रहेगा। वाज या वर ऑलरेडी मिल गया, तब क्या करेंगे, तो उसका जब आप आंसर बनाएंगे तो वाज या वर प्लस बीइंग आ जाएगा। राम वाज मेकिंग टी, टी वाज, वाज या वर है, आंसर बनेगा कैसे, टी वाज बीइंग मेड या प्रिपेयर्ड भी होता है बाय रामा। इसी तरह से हेड आएगा तो हेड बीन हो जाएगा, और हेड बीन ऑलरेडी किसी सेंटेंस में है तो उस वाले का चेंज नहीं करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट का भी चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट में यदि कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसे पेसिव वॉइस में चेंज नहीं कीजिएगा। विल सेल आता है तो आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। तो देखिए विल सेल जब आएगा तो विल सेल तो रहेगा रहेगा, प्लस भी हो जाएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, तो कॉमन है, कॉमन रहेगा। अब विल और सेल बी वाला ही सेंटेंस आ गया, तब उसका क्या करें, तो उसका भी कोई चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं, विल शेल हैव, तो विल सेल हैव तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बीन लग जाएगा। और लास्टली विल सेल और हैव भी आ गया, तो उसका हैव बीन भी आ गया, तो उसका हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो नो चेंज वाली लिस्ट आपने देख ली बच्चों, ये आपको परफेक्ट याद रहनी चाहिए, नो चेंज वाली भी और ये शॉर्टकट भी। अब हम देखें कि ये, जैसे कि मैं बोल रहा था कि आई प्ले क्रिकेट या आई हेल्प हिम, ये सेंटेंस आप ध्यान रख लीजिए,
आई हेल्प हिम। ये वर्ब है बच्चों, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जब भी सॉल्व करें तो वर्ब को पकड़ लीजिए, वर्ब कहाँ है। और वर्ब हम जानते ही, हम इतने बड़े बच्चे हो गए हैं अब, वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है। वर्ब के ठीक पहले एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करते समय नॉर्मली हमें सब्जेक्ट मिलता ही मिलता है, नॉर्मली ये सब्जेक्ट है। वर्ब के ठीक बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, ये नॉर्मली बात करूंगा। थोड़ी देर बाद हमें ना भी मिले, कोई जरूरी नहीं है, वो इंपरेटिव सेंटेंस आएंगे तब नहीं मिलेगा। वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, होता ही है फार्मूला। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चा, तो आप कहेंगे आप कौन सा फार्मूला लगा दें भाई, तो देखिए यदि किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में डू या डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू या डू है, डज है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फार्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्ट तो कॉमन रहेगा आगे, ऑब्जेक्ट 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 प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है आपका? हिम है, हिम है। जब ये हिम आगे जाएगा बच्चों, ये कहानी यही बताई जा रही है कि प्रोनाउन में चेंज कैसे करेंगे। तो ये प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। राम, राम के बदले में प्रयोग क्या करेंगे? ही। तो ही हमारा प्रोनाउन हुआ, तो ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा ही। अब चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर लगेगा, तो ही सिंगुलर है बच्चों, तो इज लगा देंगे आप, ही इज। फार्मूला बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब रही आपकी हेल्प, ये हेल्प आपकी वर्ब आई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अब बाय लिखा है बच्चे, तो आप बाय लिख देंगे। प्लस बच्चों यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, तो ये सब्जेक्ट जब इधर उतर कर आएगा बच्चों, ये इधर आएगा, ये आ गया ये, तो सब्जेक्ट है कौन आपका? आई। तो आई विल चेंज इन टू मी, तो हेल्प्ड बाय मी। इस तरह से आपके हम जब आगे एक्सरसाइज देखेंगे तो हम देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है ना बच्चों? अभी यहां तक के हमें देखना बाकी है बच्चों, ठीक है? तो ये प्रोनाउन में चेंज कैसे होते हैं? ही जब इधर से इधर चलकर आता है तो हीम हो जाता है, और हीम जब इधर से पीछे से ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बदलकर सब्जेक्ट बनता है तो वो ही हो जाता है। इन द सेम वे शी हर बन जाता है हर, सी, वी अस, अस वी, लाइक दिस। अब किसी का नाम आ जाता है, मान के चलो कि राम, राम हेल्प्स मी, तो आई एम हेल्प्ड बाय राम। नाम में कोई चेंज नहीं होगा, नाम आगे भी जी पीछे भी कृष्णा कृष्णा भयम नहीं हो जाएगा। पजेसिव केस, पजेसिव केस ही रहेगा। माय फादर हेल्प्स मी, माय फादर हेल्प्स मी, तो क्या होगा? माय फादर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि माय पजेसिव केस है, पजेसिव केस के साथ कुछ ना कुछ जरूर जुड़ा होता है, और उसके साथ क्या जुड़ गया? फादर। जब फादर जुड़ गया तो माय फादर उधर से इधर आएंगे तो भी माय फादर रहेंगे, माय फादर इधर से उधर जाएंगे तो भी सेम ही रहेंगे, ठीक है बच्चों?